ऊना जिला मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग कार्यालय के समक्ष शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कर दिया। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी विनय शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विभागों में चुन चुन कर लोगों को टेंडर दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी घटिया किस्म की दवाएं बेचने के लिए एजेंट बैठे हुए हैं। प्रदर्शन के बाद भाजपा के कार्यकर्ता अधिशासी अभियंता के चैंबर में भी पहुंचे, जहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। भाजपा का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में पहले ही अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों का यहां से चले जाना अपने आप में भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करता है। जो सरकार अभी वर्तमान में पक्ष में है, उसकी सरकार को अभी मात्र 6 महीने टेन्योर में हुए हैं और वो सरकार और सरकार के नेता पैरों से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। आज ऊना में एक्सियन पीडब्ल्यूडी के बाहर हम धरना इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काम बैकडोर एंट्रीज के हवाले से दिए जा रहे हैं, ठेकेदारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कुछ ऐसे ठेकेदारों को काम दिए जा रहे हैं। अभी आप सबको पता है कि कोरोना आपदा रही तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे नेता दिन रात जनता के बीच में रहे। अभी बाढ़ की आपदा आई, हमारे नेता लगातार बीच में है, सतपाल सत्ती दिन रात लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इसी आपदा का फायदा लिया इन लोगों ने। आप सबके ध्यान में 6 करोड़ का टेंडर, 6 करोड़ का टेंडर आपने स्वा का कर दिया, स्वा में 6 करोड़ का डंगा लगा दिया, जो डंगे की मूल वैल्यू 2 करोड़ नहीं होगी। लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि आपने जो ये भाखड़ा बांध अंग्रेजों के समय में बना था आज तक खड़ा है, वो 6 करोड़ का डंगा एक दिन में बह गया थोड़ी सी बरसात में। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में हो रही है। अवैध माइनिंग, अगर आप संतोषगढ़ चले जाओ, आप यहाँ पर फतेहपुर चले जाओ तो कांग्रेस के नेता सीधे सीधे अवैध माइनिंग में संलिप्त हैं। इन लोगों ने दल्लागिरी शुरू कर दी है, दल्लागिरी इस प्रकार से शुरू कर दी है हर डिपार्टमेंट में। आप चिकित्सालय में चले जाएं, ऊना हॉस्पिटल में, वहाँ पे अपने 2 एजेंट बिठाए हैं, किसकी दवाई आएगी, किसकी दवाई नहीं आएगी, किसको टेंडर मिलेगा, किसको टेंडर नहीं मिलेगा। घटिया दवाइयाँ लोगों को खिलाई जा रही हैं। अगर कोई व्यक्ति घटिया दवाई खा के मर जाता है तो क्या कांग्रेस के नेता इसकी जिम्मेवारी लेते हैं? कांग्रेस के नेताओं ने ऊना विधानसभा क्षेत्र तो छोड़िए, पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है भ्रष्टाचार में। ये आपदा में दिखने में मिल रहा है, जहां कैबिनेट के हमारे केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार जहां दिन रात लोगों की सेवा कर रही है, वहां पर ही फेसबुक आप मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि इनके कर्मचारी डबल किराया हमारे साथ लगते राज्य से ले रहे हैं। 149 D-90s ऊना के अंदर बन गई 6 महीने में। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास लोगों की सेवा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 10 करोड़ की D-90s बैकडोर एंट्रीज में लग गई। जो बड़े बड़े टेंडर 30-30, 40-40 लाख के टेंडर ऑनलाइन लगने चाहिए थे, जो 50-50 लाख के टेंडर भाजपा सरकार में ऑनलाइन लगा करते थे, वो इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए में D-90s एक दूसरे को वितरित की हैं। मैं इन कर्मचारियों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रदेश का व्यक्ति, लोकल व्यक्ति यहाँ पर ही रहता है। अगर उसकी सेहत के साथ, उसके परिवार के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आपको कोई नेता नहीं बचाएगा और हम जैसे युवा आपको कमरों से निकाल निकाल के मारेंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी बचने के।